हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर सेट करना। बाकी शेयर जरूर करना है वीडियो को ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक ज़रूर से करना है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर लेके आया हूँ मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग है आज की, और UPSC के जो कैलेंडर अभी आउट हुआ है हाल फिलहाल में, तो उसी के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वर्ष आयोग की 27 परीक्षाएं रविवार को, ठीक है। तो कैलेंडर जो जितना विवादास्पद है, ठीक है, सभी को पता है उसमें डेट्स आरक्षित की गई हैं केवल, कोई भी जितनी भी नई भर्तियां आनी थी 2023 में वो अभी उसमें प्रदर्शित नहीं की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नव वर्ष के आगमन के साथ ही UPSC कैलेंडर जारी किया गया और 33 परीक्षाएँ कराएगा, ठीक है, और 27 परीक्षाएं जो है इसमें रविवार के दिन होने वाली हैं, ठीक है। 8 परीक्षाओं का नाम दिया गया है और इनमें से काफ़ी परीक्षाओं के जो है पहले से ही डेट घोषित थी, ठीक है। तो नया कुछ भी नहीं किया गया है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे 23, 24, 25 मई को PCS JEE की मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है। PCS 2023 की मुख्य परीक्षा 23 सितंबर को कराई जाएगी। और यहाँ पर सफाई देते हुए यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है ये रेड कलर का बॉक्स है, इसको देखिए जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सचिव ने बताया कि घोषित तिथियों पर अन्य भर्तियों की परीक्षाएं कराई जाएंगी, ठीक है। तो संभवतः जितनी भी परीक्षाएं आपने सोच रखी हैं, जैसे RO है वो इस साल होनी है, LT ग्रेड है, BEO है, APS की भर्ती होनी है, तो ये सब चीज़ है। और परीक्षा कैलेंडर पर छात्रा ने जताई नाराज़गी, ठीक है, छात्रों ने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैलेंडर में भर्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो सारे ही जितने भी लोग हैं, और युवा मंच संयोजक राजेश सचान व अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि कैलेंडर में भर्तियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं आप, आज जो है मीटिंग हुई है, ठीक है, CM योगी और जितने भी UPSC के ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में, और यहाँ पे चेयरमैन आप समझ ही गए होंगे जो चमक रहे हैं वो चेयरमैन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता देना कौन से जो है इसमें चेयरमैन है। तो चेयरमैन और CM योगी के बीच में बात हो रही है यहाँ पे, और यहीं पे जो है भर्तियों के बारे में थोड़ी बात होगी, ठीक है। और जो मुख्य चीज़ें हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि PCS के पैटर्न को लेके होगी, ठीक है, कि PCS में जो मेंस में जो परीक्षा होती है उसमें ऑप्शन को हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, इस चीज़ पर मोहर लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़े फैसले लिए जाने हैं आज की मीटिंग में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि PCS के ऑप्शनल हटने के चांसेस 60% हैं और ना हटने के चांसेस 40% हैं, ठीक है। तो अभी भी मेरा मानना ये है कि ऑप्शनल हटने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, ऑप्शनल हट सकता है। तैयारी GS 1 2 3 4 अपनी तैयार करते रहिए, ठीक है, बाकी PCS की तैयारी कीजिए। RO है, जितने भी एग्ज़ाम्स आपने सोच रखे हैं वो सभी इस भर्तियों में, इस परीक्षा कैलेंडर में जो है आने वाले हैं, और अपडेटेड कैलेंडर भी आपको 1.5 महीने के अंदर अंदर